अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप? तो आज है जुम्मा मुबारक। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से। तो आज हम लोगों ने जाना था रमज़ान का पहले हफ्ते का जो जुम्मा था, तो हमने सोचा था यार क्यों ना फैसल मस्जिद जाके पढ़े। तो कुछ इशू बन गया था जिस वजह से नहीं जा सके मेरी बहन। यार इशू ये बना जो मेरी बहन की बेटी थी वो बीमार हो गई हुई थी, तो मैंने कहा यार पहले उसी को जाके चेकअप करवा लेते हैं डॉक्टर से। तो काफ़ी टाइम उधर मेरा लग गया, इस वजह से लेट हो गया था जुम्मे से भी। तो मैंने कहा यार पहले फैमिली को बंदा देखे, बाद में ये काम हो भी जाएगा, कोई नहीं नेक्स्ट फ्राइडे चले लेंगे। और दूसरा इशू ये बना कि यार जो सूट मामू को स्टिचिंग का लिए दिया था वो भी रेडी नहीं हुआ हुआ था, तो सूट भी मैंने वही खैर जुमे को पहनना था। तो मैंने कहा यार क्यों ना नेक्स्ट फ्राइडे ये प्लान बना लिया जाए। तो मेरे दोस्त भी रेडी थे, वो तो कह रहे थे यार इसी हफ्ते सॉरी इसी जुमे चलते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो जुमा आएगा उसमें इंशाल्लाह कोशिश है कि जाएंगे फैसल मस्जिद जुमा पढ़ने। तो एक तो सूट भी नहीं बना हुआ था, तो मैंने कहा यार छोड़ो अब क्या जाने का फ़ायदा। तो इंशाल्लाह अगले जुमे का प्लान बनाते हैं, तो तब तक साथ चलिए जी चलते हैं, देखते हैं आगे किधर चलना है। बाइक स्टार्ट करते हैं। तो यार सीन कुछ ये बना है कि घर बैठ बैठ के बोर हो रहा था, मैंने कहा यार क्यों ना दोस्त से चले, नमाज तो खैर पढ़ ली है, चलते हैं दोस्तों को मिल आते हैं यार जाके। चलिए मेरे साथ। बस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं दोस्त की तरफ आया हुआ था, दानिश की तरफ आया हूँ, लेकिन वो सोया बस का भाई मुझे भी मिला है। तो मैंने कहा यार चलो सोया रे रोज़ा क्या पता लग रहा हो भाई। तो यार बस दानिश की तरफ से होकर मैं बाप की तरफ आया था, तो बाप की तरफ जिस टाइम आया तो वो गैर थे यार मैंने मार्केट जाना है, तो बाइक की तरफ खड़ा हुआ पा रहा है बाप मेरे साथ। तो चलते हैं पहले उसको बाइक ले जाते हैं फिर आगे आपसे मतलब आगे। तो जी फाइनली मार्केट में आए हैं, तो बाप की इधर बाइक की दुकान है, वो बाइक इसका ले के आए हुए थे। तो बाप का बाइक ये खड़ा हुआ है, तो अब ये भी जा रहा अपने ससुराल। तो बाकी मिलते हैं आपको घर में, घर में टाइम स्पेंड करते हैं। चलिए जी। तो व्यूअर्स अभी हम आए थे पेट्रोल डलवाने, तो बाप के बाइक का पेट्रोल बिल्कुल डाउन था, तो कहते पहले पेट्रोल डलवाते हैं फिर मैं अपनी साइड में चले जाऊँगा, तो अपनी साइड में चले। तो अभी आए हुए थे खैर कमेटी वाले, तो मैं आपको रोड दिखाता हूँ, रोड बिल्कुल अभी सुनसान हुआ है। बाकी व्यूअर्स ये वो रोड है जिधर रश ही नहीं ख़त्म होता, तो अभी देख सकते हैं कोई इधर ठेला वगैरह नहीं लगाया हुआ वहाँ में। तो बाकी आगे आपको डिटेल बताते हैं। तो व्यूअर्स सीन कुछ ये हुआ यार, मैं जिस टाइम घर आया तो काफ़ी थकावट सी हुई थी, तो मैंने कहा यार थोड़ी देर सो लेता हूँ। तो जिस टाइम मैं सो के उठा तो नमाज असर का टाइम हो गया, तो फिर नमाज पढ़ के आया हूँ, नमाज पढ़ के छत में मैंने कहा थोड़ी देर यार का संग गपशप ही लगाते हैं। तो काफ़ी पतंग उड़ रहे थे, मैंने कहा यार नीचे से जाकर कोई पतंग हम भी ले गए, हम भी कोई उड़ाते हैं गुड़ा छुड़ा, तो वो चलते हैं नीचे। तो व्यूअर जैसा कि आप ये देख सकते हैं जैसे हम छत पे हैं तो पतंग काफ़ी उड़ रहे थे, तो मैंने कहा नीचे से जाके हम भी कोई पतंग ले के आते हैं और उड़ाते हैं। तो ये है जी भाई इस टाइम पिंडी के मामला। तो चलिए जी चलते हैं जैसे पतंग ले के आते हैं। तो ये है जी थोड़ी एक आपको गुड्डा निकालते हैं इसमें भाई लबा लबा का गुड्डा ये, चलो जुड़ाते हैं हल्का सा। तो व्यूवर्स सीन कुछ ये हुआ कि अफ्तारी कर लिया, तो अफ्तारी करके मैं इसी तरह बैठा, तो मैंने कहा यार क्यों ना वीडियो एडिटिंग का थोड़ा सा चेक करें कि फ़नी मीम्स वगैरह ये क्लिप वगैरह किधर से डलते हैं। तो मेरे खैर मुझे एडिटिंग तो इतनी करने नहीं आती, मैं दोस्तों से ज़्यादातर कराता हूँ वीडियोज़ वगैरह। तो इस दफ़ा मैंने कहा यार चलो एडिटिंग की तो अपने खुद मैं करूँगा एडिटिंग, क्योंकि कल को वैसे भी अगर दोस्त वगैरह अगर गोली वगैरह करा ही देता है आपको पता है। तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, खुद बंदा करता है एडिटिंग व्लॉग्स वगैरह, बंदा टाइम पे फिर डाल देता है, तभी व्लॉग्स लेट आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर एडिटिंग का बीच में लड़के कहते हैं यार नहीं नहीं एडिट करके थोड़ा सा व्लॉग कर। तो मैंने कहा यार क्यों ना व्लॉग एडिट करके डालेंगे। तो बाकी मैंने अभी लैपटॉप ऑन किया, वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा यार, बस मुझे सपोर्ट करो, मेरे सब्सक्राइबर 1000 जल्दी से कर दो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।